हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। आप लोग इसके iOS 17.4 का पब्लिक स्टेबल वर्जन बहुत ही बड़ा अपडेट है। बहुत ही सारे अमेजिंग और कमाल के फीचर्स जो इसके अंदर आए हैं और iOS शायद इसके बाद हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। साइड लोडिंग वगैरह के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे 7.4 आया है, साथ ही iPadOS 17.4 भी आया है। फिलहाल अभी तक कोई watchOS आया नहीं है। बेटा अपडेट्स पे जो लोग चल रहे हैं उनके लिए भी एक नया अपडेट आया है, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं अपडेट, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपडेट के साइज़ के बारे में, जो आया है 1.7 GB का। तो छोटा मोटा अपडेट नहीं है, काफ़ी बड़ा अपडेट है। मेक श्योर कि आप वाईफाई पे इसको अपडेट करें। अगर आप PC या मैक से अपडेट करेंगे तो आपको 6.5 GB का अपडेट साइज जो है वो देखने मिलने वाला है। इस अपडेट के अंदर जो कुछ नया है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिकर करने की जरूरत नहीं है। अपडेट करने से पहले 17.3.1 था मेरे iPhone 15 Pro Max पे, जो कि पब्लिक स्टेबल वर्जन है। शायद आप भी वही वर्जन अब तक चला रहे होंगे। और यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट करने से पहले 745 GB, और अपडेट करने से पहले का जो बिल्ड नंबर था वो था 21D61। अपडेट करने से पहले का मोडेम फर्मवेयर था 1.40.01। अपडेट के बाद iOS वर्जन जो है 17.4 हो गया है। 747 GB जो है अवेलेबल फ्री स्पेस है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये इसके बेटा वर्जन में मैंने देखा था कि अपडेट करने के बाद जो है अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ रही थी, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइन है। अपडेट के बाद आपको नया बिल्ड नंबर देखने मिलेगा 21E219, जो के बेटा वर्जन वाले बिल्ड नंबर से अलग है, इसलिए बेटा वालों के लिए भी एक नया अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। मोडेम फर्मवेयर भी आपको नया देखने मिलेगा 1.55.04। iOS 17.4 एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट है, जिसके अंदर साइड लोडिंग जैसे कमाल की चीजें आई है। अब इंडिया में आई है नहीं, आपको आगे वीडियो में देखकर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सारे नए फीचर्स बताने के पहले मैं आपको एक कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपके पास होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो आईफोन खरीदते हो या कोई भी चीज आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से खरीदते हो, तो ये कार्ड आपके काफी काम आ सकता है। और एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट फॉर जो आप शॉपिंग करते हो वो। ये जो कार्ड है दोस्तों, ये बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। इसका नाम है एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड, और इसकी जो अर्लियर ज्वाइनिंग फी थी वो 500 रुपीज थी, लेकिन अब ये लाइफ टाइम फ्री है। लेकिन अगर आप 31 मार्च 2024 के पहले इसमें एनरोल करते हो तभी, उसके बाद फिर से इसकी ज्वाइनिंग फी जो है वो शुरू हो जाएगी। ये कार्ड इतना ऑसम इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेसेस फ्री मिलते हैं पर ईयर। मूवी टिकट अगर खरीदते हो पेटीएम से तो आपको इस पे मिलता है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। स्विगी से ऑर्डर करते हो तो एनुअली पूरे साल भर में 2880 रुपीज आप सेव कर सकते हो इस कार्ड के जरिए से। सोनी लाइफ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको वर्थ 999 रुपीज। और एजियो पे अगर आप 3000 की शॉपिंग करते हो तो आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कार्ड के जरिए से। इतना ही नहीं, हर 200 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो आप रिडीम कर सकते हो। ऑब्वियसली इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसी तरीके के और भी बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स आपको देखने मिलेंगे। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड। इसके लिए जरूर अप्लाई करना, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक आपको पिंड मिल जाएगा। आई 17.4 के अंदर क्या कुछ नया एक एक करके हम चेकआउट करते हैं। पहले छोटी छोटी चीजें से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इमोजीज जो है वो नए आए हुए हैं। कौन से है, तो कुछ मशरूम के इमोजीज है, लाइम के है, फीनिक्स का है इमोजी ये वाला, और ब्रोकन चेन वाला है, और शेकिंग हेड वाला नया इमोजी है। तो ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस मैं करता नहीं, लेकिन आए हैं नए इमोजीज तो सोचा आपको बता दूं। और साथ ही 18 पीपल और बॉडी इमोजी में फेस ऐड करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है इन आइदर डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें हैं इमोजी से रिलेटेड। पॉडकास्ट अगर आप सुनने के शौकीन हो तो पॉडकास्ट एप्लीकेशन के अंदर भी जो है एक नई चीज आई है, वो है ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हो तो यहाँ पे उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आप देख सकते हो इस बटन पे टैप करके, और आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपकी इंग्लिश जो है नेटिव लैंग्वेज नहीं है, या एक्सेंट आपको समझ नहीं आ रहा, जिस भी लैंग्वेज में आप सुन रहे हो, तो यहाँ पे जो है साथ साथ उसका ये ट्रांसक्रिप्ट भी चलता रहेगा, तो आपको यहाँ पे उसको समझने में आसानी होगी। साथ ही इसको आप सर्च भी कर पाएंगे कि कुछ चीज अगर आपकी मिस होगी तो आप सर्च कर सकते हो इसमें। और ये ट्रांसक्रिप्ट जो है आपको इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन, ये 4 लैंग्वेज में देखने मिलेगी। और ये एपिसोड का टेक्स्ट जैसे मैंने बताया कि सर्च कर सकते, साथ ही आप फुल्ली इसको रीड भी कर पाएंगे, साथ ही आप टैप करके जो है जहां से प्ले करना है वहां से प्ले भी कर सकते। तो ये भी सही है, कुछ मिस हो गया आपका तो यहाँ पे टैप किया, उसको प्ले करके सुन लिया। और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जैसे टेक्स्ट साइज, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट और वॉइस ओवर के साथ भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते। अब बात करें दोस्तों एप्पल म्यूजिक की, तो एप्पल म्यूजिक के अंदर जो आपने सॉन्ग्स को सर्च किया है वो आप म्यूजिक रिकग्निशन के जरिए से उन सॉन्ग्स को ऐड कर सकते हो आपकी एप्पल म्यूजिक की प्लेलिस्ट में, लाइब्रेरी में, साथ ही एप्पल म्यूजिक क्लासिकल एप्लीकेशन के अंदर भी। सीरी के अंदर मैसेजिंग विद सीरी में अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप रीड मैसेजेस का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, जिसके अंदर आप लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, और अरेबिक, चाइनीज, डैनिश, डच, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेज, थाई, तुर्किश, इनमें जो भी मैसेज कोई भेजता है तो उन लैंग्वेजेस में वो आपको रीड करके
सुना देगा। तो ये भी एक ऑप्शन जो है नया यहाँ पे ऐड किया है एप्पल ने। सेटिंग्स के अंदर फेस आईडी एंड पासकोड में आप जाएंगे, यहाँ पे अपना पासकोड एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखने मिल जाता है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। अब स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन के अंदर लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि जो सिक्योरिटी डिले होता था वो हमेशा लगा हुआ होता था, मतलब फेमिलियर प्लेस है घर पे तो वहां पे भी लगा हुआ है और अनफेमिलियर फेस है तो वहां पे भी लगा हुआ है, तो करे क्या इसमें। तो यहाँ पे एप्पल ने इसके लिए कुछ सेटिंग्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिले है उसके लिए आप सेट कर सकते हैं कि हमेशा आपको चाहिए, मतलब घर पे हो तब भी आपको स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन में अगर कोई पासवर्ड चेंज करना चाहता है आपके एप्पल आईडी का तब भी उसको एक घंटा वेट करना पड़ेगा, या आप कर सकते हो। अगर आपको इनकन्वीनियंस नहीं होती है तो मतलब घर में भी किसी से खतरा है तो आप ये चीज करके रख सकते हो, या फिर अवे फ्रॉम फैमिली लोकेशन पे करके आप जब दूर रहते हो अपने ऑफिस से घर से तभी ये काम करेगा, अदरवाइज आप घर पे रहेंगे ऑफिस में रहेंगे फैमिली लोकेशन पे रहेंगे तो इंस्टेंटली आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हो। तो इसकी भी सेटिंग यहाँ पे मिल गई। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों ने Q&A में पूछा था, अब ये सॉल्व हो चुका है। बैटरी हेल्थ से रिलेटेड एक अपडेट आई है इस वाले अपडेट के अंदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली आईफोन 14 या 13 यूजर्स को देखने नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप आईफोन 14 प्रो मैक्स में देखेंगे तो यहाँ पे मैं बैटरी के अंदर जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे अगर मैं बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाता हूँ तब जाके मुझे जो है यहाँ पे इंस्टेंटली मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी वगैरह देखने मिल जाती है। लेकिन यही चीज अगर मैं अपने आईफोन 15 प्लस पे करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम बैटरी में चले जाते हैं और बैटरी में जैसे जाएंगे तो इंटरफेस हमको काफी अलग यहाँ पे देखने मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ देखने मिल रही है, चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन देखने मिल रही है। आपको इस फोन के अंदर 14 सीरीज के अंदर 13 सीरीज के अंदर इस सेटिंग के अंदर जाना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग ऑन ऑफ करना है तब भी आप अपनी जो ये बैटरी हेल्थ है ये देख पाएंगे। लेकिन ये जो एंग्जाइटी उससे वजह से पैदा होती है या फियर पैदा होता है, डर लगता है लोगों को, उसको हटाने के लिए यहाँ पे देखिए एक नया इंटरफेस आपको देखने मिल रहा है जहाँ पे बैटरी हेल्थ आपकी नॉर्मल दिखा रहा है, मतलब कितनी 100 है, 90 है, 95 है लिखा ही नहीं है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं रहेगी तो जो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा उससे आप समझ जाएंगे नॉर्मल नहीं है, घट चुकी है। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन सेट करने का ऑप्शन है आपको, जो अगेन से 15 सीरीज के लिए अभी तक 14 पे आया नहीं है, 13 पे आया नहीं, किसी पे नहीं आया, तो ये एक प्रॉब्लम है उसके अंदर। चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन से वो उसमें ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग मिलता है, 80% लिमिट नहीं मिलता, तो ये बुरी बात है, देना चाहिए एप्पल ने। और यहाँ पे नया इंटरफेस भी देना चाहिए जो कि सिर्फ अगेन 15 सीरीज के लिए लिमिटेड है। यहाँ पे क्या अभी नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तब जाके मुझे यहाँ पे मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी जो 100% है वो देखने मिलेगी। अगर 99 भी हो जाएगी तब भी मुझे डरने की जरूरत नहीं, मतलब बार बार उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं नॉर्मल देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपने चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन सेट कर दिया है, बैटरी परसेंटेज मुझे देखना है तो वो ऑन ऑफ कर सकता हूँ लो पावर मोड, लेकिन मुझे ये टेंशन वाली बात जो है यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर जाऊंगा तब जाके मुझे ये सारी चीज देखने मिलती है, साइकिल काउंट कितना है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, फर्स्ट यूज कब किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, ये सारी चीजें बाद में अंदर मुझे देखने मिलती है जहां पे मैं रेगुलरली शायद विजिट ना करूं। तो ये एक अच्छी चीज है जो 15 में दिया है, लेकिन 14 में नहीं दिया, ये खराब बात भी है। इसी के साथ दोस्तों अगर किसी का कॉल आता है आपको तो अब जो एप्पल के साथ रजिस्टर्ड बिजनेसेस है, एप्पल वेरीफाइड बिजनेस नेम है, लोगो है, डिपार्टमेंट नेम है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके नंबर के नीचे जो है उनका नाम आपको दिखा देगा, तो ये कॉलर आईडी का वाला भी काम करेगा। और सेम चीज आपको मैसेजेस के अंदर भी, जो मैसेज आपको कोई भेजता है तो वो अगर रजिस्टर्ड है, वेरीफाइड है बाय एप्पल, तो उसका भी वहां पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा एप्पल कैश से रिलेटेड भी अपडेट है जो यहाँ पे चलता नहीं अपने यहाँ पे, तो जो मर्चेंट्स एप्पल कैश लेते नहीं है एप्पल पे के जरिए से बाय टाइपिंग इन योर नंबर, उधर भी जो है आपको एप्पल कैश विद वर्चुअल कार्ड नंबर्स इस्तेमाल करने का मौका अब मिलेगा इस नए अपडेट के अंदर। अगली चीज है यहाँ पे दोस्तों जो नई आई है वो है यहाँ पे सफारी के अलावा दूसरे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करना विदाउट यूजिंग द वेब किट। तो ये भी एक अच्छी चीज है, अब आप कोई भी थर्ड पार्टी ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर तो रख सकते हैं, साथ ही वेब किट वाला रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ और भी इसमें काफी सारे बड़े चेंजेस है, जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता था, एप्पल पे के जरिए से आप पे कर सकते हो, जो ऐप है उसके अंदर ऐप स्टोर के अंदर से ही आप पे कर सकते हो, तो अब ऐसा नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी पेमेंट्स भी जो है आप कर पाएंगे iOS 7.4 पे, अगेन यूरोपियन यूनियन के लिए, और NFC के जरिए से भी आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है अब आप कर पाएंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर, जैसे गूगल पे होता है। अब एंड्रॉइड में गूगल पे में क्या हो रहा है, आप NFC के जरिए से आप पेमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन यही चीज आईफोन में काम नहीं करेगी, क्यों, एप्पल ने रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो ये रेस्ट्रिक्शन भी इस वाले अपडेट के अंदर हट रहा है यू के अंदर, जहां पे आप ये पेमेंट जो है कर पाएंगे। i17.4 के अंदर बैटरी के अंदर एक ऐसी चीज भी है जो अगेन पुराने आईफोन यूजर्स, मतलब आईफोन 14 13 जो भी आपके पास, उनको थोड़ी और तकलीफ दे सकती है या फिर नहीं भी दे सकती अगर आप समझदार हो तो, क्योंकि आईफोन 15 से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एप्पल ने दी है। बैटरी हेल्थ में और बैटरी हेल्थ चार्जिंग में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के अंदर अबाउट बैटरी यहाँ पे मतलब लर्न मोर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे दोनों के अंदर एक एक पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज के अंदर आपको एक डिफरेंस देखने मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने आईफोन 14 के अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रोल कर देता हूँ। अब यहाँ पे लर्न मोर करके लिखा है और इसके अंदर पहले मेरे आईफोन 14 में या 14 प्रो मैक्स जो है उसके अंदर क्या लिखा है बता देता हूँ। आईफोन 14 के जो मॉडल्स है या उससे
सबसे पुराने मॉडल्स है, ये 80% ओरिजिनल बैटरी कैपेसिटी रिटेन कर सकते हैं एट 500 कंप्लीट चार्ज साइकल्स अंडर आइडियल कंडीशन। मतलब क्या है कि जो साइकिल काउंट मैंने आपको बताया था, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, एक साइकिल काउंट हो जाता है, ऐसे 500 साइकिल काउंट जब कंप्लीट होंगे तब आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 80% पे होनी चाहिए, ऐसा लिखा था। लेकिन आईफोन 15 के लिए अब इस अपडेट के अंदर एक ऐसी चीज आई है जो हमको बताती है कि सिर्फ आईफोन 15 की बैटरीज ऐसी डिजाइन किया एप्पल ने कि अब ये जो 500 साइकिल तक 80% बैटरी हेल्थ पे जाने वाली बात थी, ये 1000 साइकिल्स की हो गई। यानी कि बैटरी जो कैपेसिटी है दोनों की, वो भले ही सेम हो या सिमिलर हो, लेकिन बैटरी हेल्थ होल्डिंग कैपेसिटी जो है या इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ा दी एप्पल ने। और 1000 साइकिल्स भी आपके हो जाएंगे तब भी आपकी बैटरी हेल्थ जो है अंडर आइडियल कंडीशन, मतलब आप धूप में जला रहे हो या कुछ कर रहे हो वो अलग चीज है, अंडर आइडियल कंडीशन 80% से नीचे कैपेसिटी नहीं गिरनी चाहिए। यानी कि बैटरी हेल्थ से रिलेटेड एक काफी बड़ा अपडेट जो है इस वाले अपडेट के अंदर एप्पल ने हमको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। इस अपडेट के अंदर एक और चेंज ये आया है कि पॉडकास्ट एप्लीकेशन हो या आपका म्यूजिक एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, सब में यहाँ पे आपको होम लिखा नजर आएगा। पॉडकास्ट मैंने ओपन किया, अब यहाँ पे हम दूसरा एप्पल का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं जैसे एप्पल म्यूजिक। तो यहाँ पे म्यूजिक ओपन किया तो अगेन यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, होम लिखा आ रहा है। तो सब में यहाँ पे होम लिखा आएगा, पहले यहाँ पे कुछ और लिखा होता था, लेकिन सब में अब एक स्टैंडर्ड एप्पल ने ये चीज रखा है। जो भी एप्पल के मल्टीमीडिया प्ले करने वाले एप्लीकेशन है, म्यूजिक है, पॉडकास्ट है, एप्पल टीवी, सब में आपको होम मिलेगा यहाँ पे। इस वाले अपडेट के अंदर विजेट्स के अंदर भी कुछ नए विजेट्स आए हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं क्लॉक में, और क्लॉक के विजेट के अंदर आप यहाँ पे क्लॉक डिजिटल वगैरह तो देखते ही है, अब यहाँ पे जो है नया एक क्लॉक आया है जो है सिटी डिजिटल। तो यहाँ पे सिटी डिजिटल को आप यहाँ पे ऐड विजिट कर देंगे तो अब ये क्या करेगा, जो दिन का टाइम है उसके मुताबिक ये डार्क भी होता रहेगा, लाइट भी होता रहेगा। आपके फोन के डार्क या लाइट होने से इसको मतलब नहीं, अब शाम हो गई है, अभी जहाँ का टाइम दिखा रहा है वहां पे अंधेरा है, तो कुपरटिनो में यहाँ पे 4:23 दिखा रहा है, मतलब सुबह के, तो अंधेरा है तो यहाँ पे अंधेरा दिखाएगा। तो ये एक नया क्लॉक विजिट ऐड किया है एप्पल ने। इसके अलावा गाइस, अगर आपके पास पोर्शे या बीएमडब्ल्यू की एकदम लेटेस्ट मॉडल वाली कार है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपको स्क्रीन मिल रहा है और बीच में भी आपको जो है एसी वेंट्स के नीचे एक स्क्रीन मिल रहा है, तो आप अब इस अपडेट के बाद से उसमें जो मैप्स है उसको टॉगल कर सकते हैं एप्पल कारप्ले में, मतलब बीच वाली स्क्रीन से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली स्क्रीन पे और वहां से बीच वाली स्क्रीन पे उसको लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर दो मेजर बड़े चेंज आए हैं जो ये अपडेट को बहुत स्पेशल बनाता है। वो क्या है, वो ये है कि इस अपडेट के अंदर आप साइड लोडिंग कर पाएंगे। साइड लोडिंग क्या होती है पहले समझ लीजिए, जो लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूं, जिनको पता है उनको तो पता है ही। अब ये जो एप्लीकेशन है ये हमने कहां से डाउनलोड किए, ये सारे एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किए हैं एप्पल के ऐप स्टोर से। क्या आप अपने आईफोन में किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं? अभी तक उसका आंसर था ना, लेकिन अभी उसका आंसर है हाँ। अभी तक जो भी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करते हैं वो एक बुकमार्क के तौर पे डाउनलोड होते हैं और सही से चलते नहीं, लेकिन एंड्रॉइड फोन्स के अंदर जैसे आप एपीके फाइल्स डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन के अंदर अदर थर्ड पार्टी मार्केट से भी, वैसा आप आईफोन के अंदर भी इस अपडेट से जो है ऑनवर्ड्स कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक कैच है कि फिलहाल ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन में आने वाली कंट्रीज के लिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि वहां की जो सरकार है उसने प्रेशर डाला एप्पल के ऊपर कि भाई ये साइड लोडिंग जो है ऑप्शन आपको देना चाहिए, यूजर्स को चॉइस दे दो, आप अपना जो है खुद का रास्ता नापो और हमारे जो यूजर्स है, मतलब आपके जो फोन के यूजर्स है वो हमारे सिटीजन है, तो उनको आजादी दो कि उनको थर्ड पार्टी से या कहीं से भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करना है तो वो कर सके। क्योंकि हर एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर पे तो होता नहीं है, कुछ कुछ हो सकता है आपके इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन हो जो उन्होंने लिस्ट नहीं किया हो एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर, बिकॉज उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे या कोई भी रीजन होगा या एप्पल अप्रूव नहीं कर रहा होगा, वो भी एप्लीकेशन अब आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अगेन यूरोपियन यूनियन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर डालेगी तो इंडिया में भी उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा कस्टमर बेस है उनका यहाँ पे। इस वाले अपडेट में कुछ फिक्सेस भी है जैसे फाइंड माय के अंदर कॉन्टैक्ट्स के अंदर, अब यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट्स मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन कॉन्टैक्ट्स मतलब आपके पीपल वगैरह जो आपने ऐड करके है फैमिली मेंबर्स को, वो अगर उनका लोकेशन आप देख पाते हो तो उनके लोकेशन पे उनका जो सिंबल आता था, जो लोगो आता था, जो इमेज आती थी वो ब्लैंक रह रही थी, ये एक इशू था, तो ये भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। और एक प्रॉब्लम और थी जो बहुत लोगों ने मुझे बताई कि डुअल सिम वो इस्तेमाल करते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी सिम दो सिम उन्होंने सेट करके रखा है, तो उनको एक बहुत बड़ी इशू आ रही थी कि फोन नंबर जो है प्राइमरी से सेकेंडरी अपने आप चेंज हो जा रहा था और ये विजिबल रहता था टू अ ग्रुप दैट दे हैव मैसेज्ड। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो एप्पल ने यहाँ पे हटा दिए, फिक्स कर दिए। इस अपडेट के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे भी है जो एप्पल ने पहले बीटा वर्जन में दिया था लेकिन अभी रिमूव कर दिया है। फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच के लिए लाइव एक्टिविटी, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ नहीं है, तो मे बी फ्यूचर के किसी अपडेट के अंदर ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। टाइमर के लिए है बट स्टॉप वॉच के लिए नहीं है। अब स्टोरेज तो यहाँ पे बढ़ चुका है, फिर भी एक बार स्टोरेज का पता हम लगा लेते हैं। तो सेटिंग जनरल आईफोन स्टोरेज में जाते देखते हैं, अदर्स वाला जो हमारा स्टोरेज है सिस्टम डेटा है वो कितना है, इस वाले फोन में फटाफट लोड हो जाता है। सिस्टम डेटा है 5.29 GB का, लेकिन 3-4 दिन के बाद मैं जो रिव्यू वीडियो बनाता हूं इसका उस टाइम पे देखेंगे तो शायद जो है
ये 1 GB या 1.5 GB के आसपास रहता है। जनरली मेरे इस फोन में 1.07 GB रहता है, तो ऑन द लोअर साइड रहता है। किसी किसी फोन में ज्यादा भी हो सकता है, एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग रहता है, इतना फिकर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 25 GB, 30 GB, 40 GB, 50 GB हो जाएगा तब फिकर करने की जरूरत है। इसमें भी कोई दिक्कत इस वाले अपडेट के अंदर नहीं है। रही बात नेटवर्क की दोस्तों, तो यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर आया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेटवर्क में कुछ सुधार हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिगाड़ भी हो जाता है, नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम भी आने शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि बेटा वर्जन काफी टाइम से यूज करता, लेकिन हो सकता है दोस्तों प्रॉब्लम। इसलिए इट इज बेटर टू वेट, आप लोग इंतजार करेंगे, 4 दिन हो सकता है लग जाए मुझे, लेकिन अच्छे से थरोली मैं इसको टेस्ट करूंगा प्रॉपरली और आपको बताऊंगा कि ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरड्रॉप, पर्सनल हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, ये सारी चीजें कैसे काम कर रही है। अभी अपडेट आया है तो अभी इंस्टेंटली चेक करके बताना जो है इम्पॉसिबल है। अब बैटरी की बात कर लेते गाइज, यहाँ पे तो बैटरी हेल्थ सबसे पहले देख लेंगे और होपफुली जो है यहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल रहेगी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि नई चीज आई है यहाँ पे कि आईफोन 15 सीरीज का कोई भी फोन है आपके पास, तो आपको ये नया इंटरफेस देखने मिलेगा। बैटरी हेल्थ नॉर्मल दिखा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैटरी की कैपेसिटी है मैक्सिमम वो भी 100% पे है। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए हमारे, चार्जिंग से रिलेटेड हो, बैटरी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आनी चाहिए। आपकी बैटरी हेल्थ भी ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी गिरेगी नहीं, गिरेगी कभी ना कभी। किसी अपडेट में आप देखेंगे 99 हो जाएगी, 98 हो जाएगी, लेकिन फिलहाल देख सकते हैं साइकिल काउंट 160 है, जो कि अच्छा खासा है। और फर्स्ट यूज मैंने सितंबर 2023 को किया था इसको, तब जब आप लोगों के पास ये फोन था नहीं, क्योंकि अपने को पहले मिला था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है आईफोन 15 सीरीज के लिए 1000 साइकल्स वाला एक नई चीज आई है, जो हमारे पास नहीं थी इन्फॉर्मेशन पहले, तो एक अच्छा लगा देख के कि अब हमारी जो बैटरी कैपेसिटी है उतना जल्दी नहीं गिरेगी, बैटरी हेल्थ उतना जल्दी नहीं गिरेगी हमारी। अब जनरल परफॉर्मेंस फिलहाल तो ठीक लग रहा है, लेकिन जितने दिन यूज करूंगा उतने दिन कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे और वो आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी जो बेंचमार्क्स है वो चेक कर लेते हैं और बाकी जो एप्लीकेशंस है वो एक एक करके मैं चेक करते रहूंगा। तो सबसे पहले सीपीयू की हिस्ट्री में चलता हूं लेके आपको, 2909 सिंगल कोर का स्कोर था और 7258 जो है मल्टी कोर का स्कोर था पिछले अपडेट के अंदर। अब देखिए 2956 हो गया और मल्टी कोर का स्कोर भी जो है 7258 से बढ़ के 7406 हो गया है, तो ये अच्छी बात है। ये पिछले अपडेट में थोड़ा सा कम हो गया था, पहले अपडेट में हमने 7400 के ऊपर देखा है स्कोर को, तो ऐसा नहीं कि कभी था नहीं, लेकिन इस वाले अपडेट में वापस इट इज बैक टू द सेम नंबर्स, तो ये अच्छा लग रहा है देख के। और जीपीयू का स्कोर भी देख लेते हैं, तो जीपीयू का स्कोर था 27162 और अब है 27672 और ये 27000 के रेंज में रहे तो अच्छा लगता है। देख सकते हैं आप 27000 प्लस ही रहा है 15 प्रो मैक्स पे जीपीयू का स्कोर कंसिस्टेंटली, तो ये भी एक सही चीज है। अब यहाँ पे बेटा वर्जन से अगर आपको स्टेबल वर्जन पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। दोनों का बिल्ड नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्क ये है कि बेटा वर्जन में ये 17 है और जो स्टेबल वर्जन है उसमें 19 है। तो बेटा वर्जन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको स्टेबल वर्जन पे जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट में। अब यहाँ पे आप अपडेट के लिए चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेबल वर्जन का अपडेट देखने मिल जाएगा, और अगर आप बेटा अपडेट्स को ऑफ करते हो उसके बाद आप चेक करते हो तब भी आपको जो है ये सेम चीज देखने यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप बेटा अपडेट्स कंटिन्यू करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आपको ये अपडेट मिलता है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और आप जो है लेटेस्ट अपडेट पे आ जाएंगे। तो इसको भी मैं अपडेट रख देता हूं फटाफट से दोस्तों। आईपैड ओएस के बारे में बता देता हूं, आईपैड ओएस के अंदर वही सारी चीजें हैं जो आईओएस के अंदर आपको देखने मिल रही है। आईपैड ओएस 17.4 के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आईओएस 17.4 से अलग है। आप पढ़ सकते हैं यहां पे सारी चीजें जो है आपको एग्जैक्टली सेम ही देखने मिलेगी इसके अंदर। तो ये भी आप अपडेट जो है डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेरे आईपैड के ऊपर डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है। तो देख सकते हैं आप 17.4 आपके सामने है आईपैड ओएस का वर्जन और इसका बिल्ड नंबर भी एक्जैक्टली वही है जो आपके आईफोन में आता है। लेकिन इस बार दोस्तों वॉच ओएस का कोई भी अपडेट एप्पल ने इस वाले अपडेट के साथ पुश नहीं किया। मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट चेक किया वॉच के ऐप के अंदर जाके और 10.3.1 ही जो है लेटेस्ट वॉच ओएस है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। जनरली इतने बड़े अपडेट के बाद वॉच ओएस भी एप्पल पुश करता है, लेकिन हो सकता है एक आध दिन के बाद आपको जो है ये चीज देखने मिले। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों कि आपको i7.4 इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपने डिवाइसेस के ऊपर। तो देखिए मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा, हालांकि बहुत बड़ा अपडेट है, साइड लोडिंग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन अगर आप ईयू में नहीं हो, यूरोपियन यूनियन में नहीं हो, तो साइड लोडिंग के लिए तो फिलहाल ये अपडेट करने की आपको जरूरत नहीं है। और आप कहीं पे भी हो, कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो, तो आपको ये अपडेट करना है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि 3-4 दिन का इंतजार कीजिए जब हमारी जो अपडेट रिलेटेड वीडियो आती है, जनरली सैटरडेज को आती है। तो आज जो है अभी ट्यूजडे तो गुजर चुका है, वेडनेसडे लग गया है, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एटलीस्ट 3 दिन मैं इसको टेस्ट करता हूँ। फ्राइडे नाइट या फिर सैटरडे नाइट को मैं आपको प्रॉपरली बैटरी कैपेसिटी, बैटरी हेल्थ, बैटरी लाइफ, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कुछ बग्स है या नहीं एक वीडियो बना के बताऊंगा, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि शुड यू अपडेट टू iOS 17.4 और नॉट। तो यही दिखाने दोस्तों iOS 17.4 की। बाकी मैंने आपको एक्सिस बैंक के जिस कार्ड के बारे में बताया था उसके लिए अप्लाई जरूर कर लेना, उसकी लास्ट डेट 31st of March है 2024 फॉर बींग लाइफ टाइम फ्री। मैं कहता हूँ दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।